नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो सातवीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उन विषय के संबंध में, चाहे वो संघ सूची के विषय हों, समवर्ती सूची के विषय हों या राज्य सूची के विषय हों, इन तीनों विषयों के संबंध में आज बात करेंगे। और यहाँ से प्रश्न, चाहे वो सेंटर सरकार की भर्ती हो चाहे राज्य सरकार की भर्तियाँ हों, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विषय केंद्र सरकार का है और कौन सा विषय राज्य सरकार का है, और कौन सा विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो के अंत तक जरूर आएँ। तो बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची में जो विषय मूल रूप में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। बाकी लॉन्गेस्ट जो वीडियो है हमारा वो पड़ा हुआ है YouTube चैनल पर, ठीक है। तो देखिए, जो सातवीं अनुसूची है, कौन सी सातवीं अनुसूची, अनुसूची और जो सातवीं अनुसूची है इसमें तीन विषय शामिल किए गए हैं। एक तो है संघ सूची के विषय, संघ सूची के बाद में है राज्य सूची और राज्य सूची के बाद में है समवर्ती सूची। तो इस तरह से समवर्ती सूची, तो इस तरह से तीन अनुसूचियां हैं जो सातवीं अनुसूची में संलग्न है। तो इसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मूल संविधान की, मूल की, तो मूल में कितने थे और अब कितने हैं वो देखना है। ये देखिए, और वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान देखिए, तो मूल में कितने हैं ये देख लीजिए और वर्तमान में कितने हैं ये देख लीजिए एक बार। देखिए, जो मूल संविधान है इसमें तो हैं 97 विषय थे और इसमें थे राज्य सूची में वो थे 61 यानी 66 विषय, और इसमें थे 47। बात कर लेते हैं वर्तमान में कितने हैं, तो इसमें तो हैं 100 पूरे 100, और इसमें 66 में से 5 घटा दिए गए हैं, 61 हैं, और इस 47 में 5 बढ़ा दिए गए हैं तो इसमें हैं 52। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, इस संशोधन में क्या हुआ था कि जो राज्य सूची के जो 5 विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। पहले हम उसकी ट्रिक देख लेते हैं और फिर अगली ट्रिकें देखेंगे। देखिए कौन से हैं वो, उसकी मैंने ट्रिक पहले ही बताई है, आप जान लीजिए। शिक्षा, वन और परिमाप, या इसे मापतोल बोल सकते हैं। देखिए, परिवार, नियोजन, परिवार नियोजन, और इसके बाद में चौथा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिवार नियोजन के बाद में अगला है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, मापतोल हो गया, मापतोल के बाद में एक और है लास्ट वाला, वो है पर्यावरण। तो ये विषय हैं, इन विषय पर क्या है, राज्य सरकार से जो विषय थे वो हटा करके अब समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। यानी शिक्षा अब समवर्ती सूची का विषय हो गया है। मैं इधर समझा देता हूँ आपको, जो वन है, वन अब समवर्ती सूची का विषय हो गया है, मापतोल से संबंधित फैसला समवर्ती सूची के अंतर्गत लिया जाएगा, और परिवार नियोजन जो है ये भी इसी का विषय है, समवर्ती सूची का अब कर दिया गया है, और एक है पर्यावरण। तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को, तो इसके तहत इन्हें जोड़ा गया था इस सूची में, जो ये 52 हुए हैं ये घटके 61 हुए हैं। समझ में आया होगा आपको। अब देख लीजिए कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कुल कितने विषय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसकी मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ, वो ट्रिक देखना कौन कौन सी हैं देखिए, और इसकी भी ट्रिक मैं आपको दूंगा समवर्ती सूची में कौन से आते हैं, ज़रा इसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए, जो संघ सूची के विषय हैं वो इस प्रकार हैं, संघ सूची के जो विषय हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए,
नंबर एक रेल, दूसरा जनगणना। देखिए जो जनसंख्या है वो राज्य सूची का विषय है और जो जनगणना है वो क्या है, सेंटर का विषय है। और एक है बैंक। तीसरा देखिए, आप लोगों ने कई बार उसका वीडियो वायरल होते देखा होगा, संजय जी जो हैं आम आदमी पार्टी में, वो बोलते हैं ना कि रेल बेच रहा है, समझ रहे हैं, और रेल बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, पोल बेच रहा है, LIC बेच रहा है, कुछ ऐसा नहीं। तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ सुनने को मिल जाती है कि सेंटर के विषय हैं। देखिए रेल, जनगणना, बैंक, और देखिए चौथा, देखिए इसमें दे रखा है डाक विभाग, जो डाक होता है, डाक के साथ में इसमें दे रखा है वायु, पांचवा वायु, जल, ये परिवहन है, वायु परिवहन, जल परिवहन, और एक है निगम, जो निगम कर होता है, निगम एक कर है, निगम कर, और दूसरा है आयात निर्यात, आयात और निर्यात। देखिए ये कुछ एक विषय हैं, इन विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा रहता है, रेल पर, जनगणना पर, बैंक पर, डाक पर, वायु परिवहन, जल परिवहन, निगम कर, आयात कर और निर्यात कर, ये कुछ एक कर है जिन पर क्या है इसका जो केंद्र सरकार है यही कानून बना सकती है, इन पर इनका ये हक होता है। तो इनको ट्रिक वे में कैसे समझ सकते हैं, ट्रिक बहुत ज़रूरी है, इसके माध्यम से आप जान पाएंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप ट्रिक देख लीजिए। देखिए ट्रिक क्या हो सकता है इसका, तो ट्रिक मैंने देखिए इधर लिखा है, आप समझेंगे तो RGB बैंक, देखो इसे इस तरह समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा बना लेंगे एक बार थोड़ा सा। देखिए RGB बैंक, जैसे ग्रामीण बैंक होती है ना उस तरह से याद कर लेंगे, RGB बैंक। फिर है डाक, वायु, जल परिवहन, देखो डाक, वायु, जल परिवहन, इसे यहाँ तक याद कर लेंगे। निगम से आयात निर्यात करे, यानी निगम से आयात निर्यात करे, तो थोड़ी सी टफ जरूर लग रही होगी, 2-3-4 बार इसे आप पढ़ेंगे 100% आपको याद हो जाएगी, तो बार बार इसे देखेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इस आर का मतलब है इरा, जो आर है, आर का मतलब है, देखिए आर का मतलब है रेल, क्या है, रेल सेवा, जो रेल सेवा है इस पर जो कानून बनाने का हक है वो सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को। G4 है जनगणना, क्या है, जनगणना। और इसके बाद में B4 दे रखा है बीमा, देखो ये भी कई बार आया पेपर में, बीमा, और बैंक से हो जाएगा बैंक, क्या हो जाएगा, बैंक। इसके बाद में डाक है, और डाक से हो जाएगा डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा। इसके बाद में वायु से हो जाएगा वायु परिवहन, और ये हो जाएगा जल, यानी जल परिवहन, और ये तो परिवहन से परिवहन हो ही जाएगा, निगम कर, और आयात से हो जाएगा आयात, और निर्यात से हो जाएगा निर्यात। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं एक ट्रिक वे में, एक अच्छे अंदाज में। तो ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, तो ये लिखा है हमने RGB बैंक, तो इसे ऐसे याद करना है, RGB बैंक, डाक, वायु, जल परिवहन, निगम से आयात निर्यात करे, तो इसे बार बार पढ़ेंगे 100% हमें याद हो जाएगा। तो R से बनाया हमने रेल, और G से बनाया है जनगणना, B से बनाया है बीमा, बैंक स्पष्टली दिख रहा है आपको, डाक से डाक सेवा हो जाएगा, वायु से वायु परिवहन सेवा हो जाएगा, जल से जल परिवहन सेवा, और निगम से निगम कर, आयात से आयात, और निर्यात से निर्यात। इनको हमने एक सूत्र में बांध लिया है ताकि हम समझ पाएँ कि ये कौन कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये बहुत अच्छा मैटर है, यहाँ से आप अपनी सफलता कायम कर सकते हैं। तो अब देखेंगे राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो देख लेते हैं एक बार।
देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना। देखो ये देखिए, आप देखते हैं राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं जिन पर राज्य सरकार को हक है कानून बनाने का। एक बार देखिए, देखिए इसमें है पशु चिकित्सा, देखो पशु चिकित्सा, भूमि खनन, विद्युत, पुलिस, शराब, विद्युत हो गया। अब इसके बाद में मनोरंजन, मनोरंजन और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। देखिए कुछ एक ये विषय हैं, विषय क्या हैं, पशु चिकित्सा, भूमि खनन, विद्युत, पुलिस, शराब, मनोरंजन और स्थानीय स्वशासन। ये सभी क्या हैं, राज्य सूची के विषय हैं और इन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। मैं इसकी ट्रिक आपको लिख देता हूँ, वो ट्रिक देखिए, ट्रिक कितनी अच्छी है इसकी, है ना, काफ़ी समझ में आएगा आपको। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है पशु भूख से विपुष, विपुष को हम ऐसे लिख सकते हैं, विपुष थोड़ा ऐसे लिख लेना, विपुष यानी पशु भूख से विपुष विस्मन्नो, विस्मन्नो इस तरह लिख लेंगे इसको, तो हम आराम से इसकी ट्रिक में इसे समाहित कर लेंगे। तो ट्रिक में कैसे लिखना, मैं इसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें देखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल पशु से हो जाएगा, पशु चिकित्सा हो जाएगा, इसके बाद भू से हो जाएगा भूमि, आराम से याद कर सकते हैं उनको आप, कैसे हो जाएगा खनन, तो कई बार आता है पेपर में खनन किसका विभाग है, खनन पर कौन कानून बना सकता है, तो राज्य सरकार का, शेष हो जाएगा सहकारिता, सहकारिता ये देखिए, इसके बाद में वी से हो जाएगा विद्युत, विद्युत और पू से हो जाएगा पुलिस, पुलिस और शेष हो जाएगा शराब और वी से हो जाएगा, देखिए यानी पशु भूख से विपुष विस्मन्नो, तो ये हो जाएगा विक्री कर, कौन सा हो जाएगा विक्री कर, विक्री कर हो जाएगा, और ये जो इस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा स्थानीय, स्थानीय स्वशासन, और इसके बाद में हो जाएगा मन से हो जाएगा मनोरंजन, मनोरंजन जो मनोरंजन के साधन है यानी मनोरंजन। तो ये क्या है, ये कुछ एक विषय हैं जिन पर कानून बना सकता है राज्य सरकार। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राज्य सरकार, राज्य सरकार, सरकार के विषय या विभाग, ठीक है, इन पर कानून बना सकता है। और पशु भूख से विपुष विस्मन्नो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला और समवर्ती सूची का। तो इसमें कौन कौन चाहते हैं, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा देखिए, जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो इसमें मैंने अभी बताया था आपको शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, मापतोल,
ये हो गया 1, 2, 3, 4 बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट विषय हैं ये। अखबार, अखबार के बाद में इसके बाद एक और हो जाएगा छठवां, देखिए रोका। रोका का मतलब होता है विवाह, तो विवाह किस विषय का, कौन से विषय के अंतर्गत आता है विवाह, तो विवाह आता है रोका, यानी विवाह राज्य यानी संवर्ती सूची का विषय है। और भी कोई बच रहा है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये किताबें और लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ किताबें, किताबें के बाद में देखिए और एक है पर्यावरण, लिखा नहीं है मैंने पर्यावरण, ये पर्यावरण है। तो कुल मिलाकर के 7, 8, 9, 10 विषय ये हैं जो इम्पोर्टेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं को समाहित किया इधर जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप देख लेंगे। ये विषय हैं शिक्षा है, वन है, परिवार नियोजन है, मापतोल है, अखबार है, रोका यानी विवाह है, किताबें हैं और पर्यावरण है। तो ये कुछ एक प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं इसका एक बार एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक देख लीजिए। देखिए ट्रिक क्या होगा इसका, ट्रिक देखिए, यहां देखते हैं यानी समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ठीक है, ये देखने हैं हमने। तो मैं लिख देता हूं शिव, अखबार का परिमाप, परिमाप करो। तो इस तरह से याद रख लेंगे, शिव अखबार का परिमाप करो, शिव अखबार का परिमाप करो। तो इससे क्या बनाएंगे, तो अभी मैंने बनाया था इसका, देखिए इसी से बन जाएगा शिक्षा, दिख रहा है आपको शिक्षा, वैसे क्या बन जाएगा वन, अखबार से बन जाएगा अखबार, अखबार हो गया, और का से हो जाएगा किताबें, बना लेना आराम से कोई दिक्कत नहीं है, किताबें, और परी से हो जाएगा परिया, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और माँ से हो जाएगा मापतोल, मापतोल इस तरह से डैश लगा लेंगे इसके बीच में मापतोल, और पैसे हो जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण इस तरह से, और रोका करो, करो रोका, रोको करो, देखो करो तो बन जाएगा रोका, रोका बना लेंगे इसे रोका, और रोका का मतलब होता है विवाह, विवाह। तो देखिए ये था, आप एक बार फिर से देख लीजिए, शिव अखबार का परिमाप करो, तो सी से यही जो ये सह है इसे बन जाएगा शिक्षा, वैसे बनेगा वन, अखबार से अखबार, का से किताबें, पैसे परिवार नियोजन जो री है इस, देखो परी से परिवार नियोजन, माँ से मापतोल, पैसे पर्यावरण, करो रोको रोका, रोका यानी विवाह। तो कुल मिलाकर के जो संघ सूची के विषय थे और जो राज्य सूची के विषय थे या संवर्ती सूची के विषय हैं, ये सारे विषय ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आप नोट करके लिख लो, नोट सभी तीनों सूचियां, यानी तीनों तीनों सूचियां ऑस्ट्रेलिया से, कहां से ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई हैं तीनों, यानी सभी तीनों का बार हटा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सूचियां यानी तीनों सूचियां कहां से ग्रहण की गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई हैं, चाहे वो संघ सूची हो, राज्य सूची हो या संवर्ती सूची हो। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला एक नेक्स्ट वीडियो होगा जो भाषाओं के संबंध में होगा, जो आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं और उनका जो किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी उसके संबंध में बात करेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक्स, मौका मिलेगा तो जरूर हाजिर होंगे, थैंक यू।